दुखद खबर, बहुत ही ज्यादा दुखद खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां, जिनका निधन हो गया है, 100 वर्ष की उम्र उनकी थी और बीते कुछ दिनों से लगातार वो बीमार चल रही थी, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब वो नहीं रही। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो हमेशा मुझे जीवन में याद रही, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। यही बात प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखी और अहमदाबाद में 100 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। तो फिलहाल जो बड़ी खबर है वो एक बार फिर हम आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी की तबीयत जो है वो खराब चल रही थी, लगातार उनकी सेहत पर डॉक्टर नजर बनाए हुए थे, लेकिन शुक्रवार को उनका निधन हो गया। 100 साल की उम्र थी। हीराबा ने अस्पताल में अंतिम सांस ली, अहमदाबाद में उनका इलाज चल रहा था और मंगलवार शाम को उन्हें भर्ती करवाया गया था। ये वो ट्वीट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले किया है अपनी माता जी को याद करते हुए और इसी तस्वीर के साथ उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी भी दी और अपनी माता जी को श्रद्धांजलि भी दी। तो फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर, दुखद खबर और खबर ये भी आ रही है कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। लगातार यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रिसर्च सेंटर से उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहा था, तबीयत स्थिर बताई जा रही थी, तमाम लोग उनका हालचाल जानने के लिए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच आज खबर आई कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। और दुखद खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो लगातार सामने आती रहती थीं और आए दिन, जैसा कि प्रधानमंत्री ने खुद भी ट्वीट किया है और उन्होंने बताया कि निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध, और ये आपको चीजें देखने को मिली होंगी। हाल फिलहाल में गुजरात विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और उस दौरान भी उम्र के इस पड़ाव पर भी प्रधानमंत्री मोदी की मां वोट डालने के लिए पहुंची थी। लोकतंत्र में जब भी भागीदारी की जरूरत होती थी, जब भी देशहित की कोई बात होती थी, वो हमेशा बढ़ चढ़ कर सामने आती थी, चाहे नोटबंदी के दौरान पैसे निकालने की बात हो या फिर निकाय चुनावों से लेकर हर एक चुनाव में अपनी भागीदारी की पुष्टि करना हो। प्रधानमंत्री के साथ त्योहारों पर उनको दिए जाने वाले पैसे अक्सर सुर्खियां बना करते थे। जब प्रधानमंत्री की मां अपनी पोटली से उन्हें कुछ रुपए निकाल कर दिया करती थी। तमाम तस्वीरें लगातार ऐसी आती रहीं जो उनके जुड़ाव को बताती रही, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है, जो बड़ी जानकारी है, वो यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा अब इस दुनिया में नहीं रही। 100 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही उनके बारे में जानकारियां जो हैं वो दी। एक बार फिर हम आपको बता दें, खबर जो है 3:30 बजे सुबह कहा जा रहा है उनका निधन हुआ है और अब से थोड़ी देर बाद पीएम मोदी खुद पहुंचेंगे अस्पताल। सुबह 3:30 बजे शुक्रवार को उनका निधन हो गया और अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी की तरफ से ये जानकारियां जो हैं ये दी गई हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंच जाएंगे और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसमें वो शामिल होंगे। लेकिन जो प्रधानमंत्री की तरफ से अपनी मां को अंतिम विदाई के शब्द थे वो यही थे कि शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। मां में हमेशा मैंने उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्म योगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। जब मैं उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो एक बात उन्होंने कही थी कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये तमाम तस्वीरें आए दिन जब प्रधानमंत्री अपनी मां से मुलाकात करते थे तो चर्चा का केंद्र रहती थी। मां बेटे का रिश्ता हमेशा लोगों को खूबसूरत लगता रहा।